हे गाइस, व्हाट्सअप शेयर, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इस पिक्चर का ट्यूटोरियल। आपको बताऊँगा कैसे आप ये वाली पिक्चर बना सकते हैं या इस तरह की एक पिक्चर बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में इजीली पिक्सआर्ट एंड लाइटरूम की मदद से। इस वीडियो को देखते रहिए पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सो यहाँ पे बैकग्राउंड आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। सो सिंपली आपने बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद ड्रॉ टूल में जाना है एंड सबसे पहले आपने इसमें ऐड कर देनी है अपनी पिक्चर। सो पिक्चर जो होगी वो आपने क्लिक करवा लेनी है कुछ इस तरीके से एंड देन आपने उसको इस कॉर्नर पे रख के करना है ड्रैग एंड उसका साइज आपने कर देना है बड़ा। सो गाइस, साइज़ को आपने इस तरह एडजस्ट कर देने के बाद सिंपली यहाँ पे कर देना है डन एंड देन गाइस इसमें ऐड कर लेनी है आपने कुछ PNGs। सो इन सब PNGs का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, एक एक करके आपने इन सारी PNGs को ऐड कर लेना है। एंड इस लेंस वाली PNG को भी आपने इसकी ओपेसिटी आपने कर देनी है कम एंड देन आपने इसको कर देना है एडजस्ट। सो इसका साइज एडजस्ट कर लेने के बाद सिंपली आपने यहाँ से लेना है इरेजर एंड जो एरिया बाहर होगा उसको आपने यहाँ से सिंपली इस तरह से कर देना है रिमूव। देन गाइस, इसकी ओपेसिटी आपने कर देनी है फुल एंड अपने इरेजर की ओपेसिटी को रखना है बिल्कुल माइनर एंड इसकी जो एजेस होंगी उसको आपने थोड़ा थोड़ा सा रिमूव कर देना। सो इस तरह से। सो इस तरह करने के बाद गाइस आपने इसमें ऐड करनी है बाकी PNGs। फर्स्ट पे आपने ऐड कर देनी है ये वाली PNG, इसका साइज आपने बड़ा कर देना एंड इसको सेट कर देना है यहाँ पे। एंड उसी तरह ही इरेजर लेके आपने इसका भी यहाँ से कर देना है थोड़ा सा रिमूव। सो गाइस, इस PNG को आपने रखना है इस वाली PNG के बिल्कुल ऊपर इस तरह से एंड देन यहाँ पे जो गाइस इसकी एजेस होंगी उसको आपने इरेजर से रिमूव कर देना। सो इतना करने के बाद गाइस आपने इसमें ऐड करनी है एक लास्ट PNG इस PNG को रखना है आपने यहाँ अपने आइस के पास एंड बाकी एरिया इसका आपने कर देना है रिमूव। देन गाइस आपने ले लेना है एक एम्प्टी लेयर। एम्प्टी लेयर लेके आपने यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। सो पिक्सआर्ट में इतना करने के बाद सिंपली आपने इस पिक्चर को सेव कर लेना है
एंड ओपन कर लेना अपने लाइटरूम ऐप में। सो गाइस पिक्सआर्ट में हमारी इतनी पिक्चर रेडी हो चुकी है। अभी इसमें करेंगे बेसिक से कुछ सेटिंग्स। सो सिंपली सबसे पहले आपने जाना है सिलेक्टिव वाले ऑप्शन में, यहाँ से थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है नीचे, एंड जहाँ से इसको आपने कर देना थोड़ा सा ड्रैग करके इसकी लाइट को कर देना बिल्कुल माइनस, कंट्रास्ट को बढ़ा देना एंड हाईलाइट्स को भी माइनस कर देना। देन गाइस आपने यहाँ से एक और दफ़ा सिलेक्ट कर लेना एंड ऊपर से इसको माइनर सा आपने करना है ड्रैग। इतना करने में गए तो आपने यहाँ से जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, यानी यहाँ से रेड कलर की सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना एंड ऑरेंज कलर की भी सेचुरेशन को माइनस कर देना। सो गाइस इतना करने के बाद आपने इसकी जो लाइट होगी उसको माइनर सा करना है माइनस, कंट्रास्ट आपने थोड़ा सा बढ़ा देना, हाइलाइट्स को थोड़ा सा, हाई शेडो को डाउन। एंड देन गाइस इस पिक्चर का जो टेम्परेचर होगा उसको आपने रखना है -2 या 3 एंड सेचुरेशन को भी -3 कर देना एंड वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना। देन गाइस यहाँ पे आपने इसमें ऐड कर देंगे टेक्सचर जिससे कि पिक्चर में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। यहाँ से आपने ऐड कर देनी शार्पिंग एंड रेडियस उसका कर देना 130 एंड स्किन के लिए नॉइस रिडक्शन। सो गाइस इतना करने के बाद आपकी पिक्चर बनेगी कुछ इस तरह से। सो बिफोर जो पिक्सआर्ट में हमारी पिक्चर थी वो थी ये, एंड आफ्टर कलर लाइटरूम में एडिटिंग करने के बाद हमारी पिक्चर बनेगी कुछ इस तरह से। सो इस तरह गाइस आप भी एक अपनी यूनिक सी पिक्चर बना सकते हैं अट्रैक्टिव सी बिल्कुल सिंपली पिक्सआर्ट एंड लाइटरूम की मदद से। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहती हैं। सो मिलते हैं और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।